अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप क्रिप्टो से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उनसे आगाह रह सके। इसका जो हमारा क्वेश्चन वो ये है कि हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान, हम अपना ट्रेडिंग प्लान किस तरह बना सकते हैं, कौन से रूल है जिनको फॉलो करना पड़ेगा तो हमारे पास एक वेल एक्यूरेट ट्रेडिंग प्लान होगा। ठीक, जो पॉइंट है वो पांच है जिनकी बिना के ऊपर स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ही कह लें कि रूल फॉलो किया जाता है। अगर आप इन पांच पॉइंट को फॉलो करते हुए अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो यकीनन आप मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। मार्केट में 90% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, 90% लोग लॉस करते हैं। इसकी भी यही रीजन है कि वो प्लान के मुताबिक ट्रेड नहीं करते और लिवरेज का यूज कर लिया, हैवी मार्जिन यूज कर लिया। अगर आप लिवरेज और मार्जिन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप लॉट साइज ले रहे हो, जो आप एक ट्रेड ले रहे हो वो कितने डॉलर की बन रही है। उतना फंड हमारे अकाउंट में नहीं होता जितनी बड़ी हम ट्रेड ले रहे होते हैं। ट्रेडिंग प्लान किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल एक आपने ट्रेड ली, तो आपकी उस सिंगल ट्रेड में जस्ट ओनली 1% का रिस्क होना चाहिए इनिशियल स्टेज के ऊपर और प्रो लेवल के ऊपर भी। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल ट्रेड की बात की जाए पर डे में, जो आपने माइंड सेट की हुआ है कि मैंने दो ट्रेड लेनी है या तीन ट्रेड लेनी है, तो उस ओवरऑल ट्रेड का 3% होना चाहिए आपका रिस्क। नंबर टू पे हमारे पास आता है एंट्री क्राइटेरिया। जब भी हम मार्केट में एंटर होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हमारे यहाँ एंट्री बनती भी है या नहीं, इस पॉइंट के ऊपर इंटर होना चाहिए या नहीं। हम किसी रिजेक्शन को नहीं देख रहे होते, हम किसी भी कह लें कि रिट्रेसमेंट को नहीं देख रहे होते, हमें जहां हमारा दिल किया हम फिर फौरन एंट्री ले लेते हैं। तो याद रहे कि सबसे बेसिक पॉइंट एंट्री का कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस चीज को फॉलो करते हुए कौन सी कंफर्मेशन आपको मिली है जो आप मार्केट में एंटर हो रहे हो। तो विदाउट कंफर्मेशन आप मार्केट में एंटर ना हो, कैसे कंफर्मेशन मिलेगी? तो याद रहे कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न एनालिसिस होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस को रूल को फॉलो करते हुए, कैंडल्स के बिहेवियर को फॉलो करते हुए आपको पता चलेगा कि आपका ये एंट्री क्राइटेरिया है। हर एक कैंडल कुछ ना कुछ साइन दे रही होती है, कुछ ना कुछ कहती है, कैंडल गुफ्तगू कर रही होती है। लेकिन जिस तरह डॉजी कैंडल्स है हमारे पास, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, ठीक है, बैरिश इनगोल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ साइन देते हैं। तो बेसिकली ये हमें साइन देके आया कि यहाँ रिजेक्शन हो रही है, यहाँ रिट्रेसमेंट हो रही है, ये स्पॉट लेवल बन रहा है, ये कह लें कि रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए आपने मार्केट में एंटर होना है। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास वो ये है कि स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होना चाहिए। हम ट्रेडिंग प्लान बनाते हुए स्टॉप लॉस को कैसे एडजस्ट करें अपने माइंड में और अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। तो याद रहे कि 99% लोग जो है ना वो मेजर मिस्टेक करते हैं स्टॉप लॉस लगाने में। उनको पता नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए और बार बार क्या होता है कि हाई वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट, क्रिप्टो मार्केट तो वैसे भी वोलाटाइल होती है, तो वो क्या होता है कि उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रीजन क्या है कि आपने वोलेटाइलिटी के साथ कैसे खेलना है, एक्यूरेट जगह है स्टॉप लॉस लगाने की वो कौन सी है, वो हमें पता होनी चाहिए। उस जगह का 99% लोगों का नहीं पता होता और यही रीजन होती है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो याद रहे कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, आप बाय की पोजीशन ओपन कर रहे हो, तो याद रहे कि आप देखें कि जिस पॉइंट के ऊपर मैं इंटर हो रहा हूं इसके आजू बाजू में इसके नियर स्पॉट लेवल कौन सा है। तो याद रहे कि स्पॉट लेवल के बिल्कुल थोड़ा सा कह लें कि नीचे आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। अगर आप टॉप के ऊपर शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो, फिर आपने देखना है कि इसके बाजू में इसके करीब डिस्टेंस लेवल कौन सा है, उससे थोड़ा सा अबव आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। उस पॉइंट के हमारा टारगेट कितना होना चाहिए इनिशियल स्टेज के ऊपर, या एक कॉमन सा कह लें कि जो टारगेट चल रहा है वो 1:2 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, या 2:3 के हिसाब से, 3:4 के हिसाब से, 4:5 के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि हम 1 रुपए रिस्क पर लगा रहे हैं, दाव पर लगा रहे हैं और 2 रुपए कमाना चाह रहे हैं, 1 रुपए हम लॉस करना चाह रहे हैं, 2 रुपए हम प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं। लास्ट वन पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कि हमारा टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। याद रहे कि बहुत मैटर करता है कि आप टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हो। दो चीजें होती हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, एक हमारे पास स्विंग ट्रेडर होते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम बेस्ट है वो हमारे पास 1 मिनट का, 15 मिनट का और 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे हो तो ये जो 3 टाइम फ्रेम है ये कह लें कि इनमें एक्यूरेसी देखी गई है, ये पॉजिटिव सिग्नल ज्यादा देते हैं जस्ट ओनली इंट्राडे के लिए।
अगर आप कह लें कि स्विंग ट्रेडर हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें कि टाइम फ्रेम है वो 4 घंटे का और 1 डे का टाइम फ्रेम है, यानी कि 4 आवर्स की कैंडल स्टिक पैटर्न और 1 डे की कैंडल स्टिक पैटर्न। जितना आप ज्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम को चूज करेंगे, उतने आपके जो सिग्नल होंगे वो फॉल्स कम होंगे। जितना आप ज्यादा टाइम फ्रेम को चूज करोगे, उतने ही आपके सिग्नल जो फॉल्स होंगे वो कम होंगे। जितना आप लॉन्ग टाइम फ्रेम को चूज करोगे, उतनी ही आपकी लॉस की रेट कम होगी। तो याद है कि ये वो बेसिक 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर पूरी स्टॉक मार्केट घूम रही है, पूरी क्रिप्टो मार्केट घूम रही है।